श्री गुरु नानक देव जी के चरण छू प्राप्त की बटाला तो इतिहासक गुरुद्वारा श्री कंध साहिब विच बटाला दख जथेबंदियों वालों बटाला निर्विघन जिला बनाने अरदास की गई, जिस में समाज सेवी धार्मिक जथेबंदियों राजनीतिक लोगों के लैवलों गुरु साहिब के चरणों में अरदास की गई, जो पिछले दिन पंजाब के मुख्यमंत्री ने बटाला जिला बनाने की गल चलाई है और निर्विघन नेपरे जिथे बटाला के लोग बटाला जिला बनाने अरदास कर रहे हैं, उत्थे ही गुरदासपुर के वकील और गुरदासपुर के राजनीतिक लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। गुरदासपुर तो रोहित गुप्ता की रिपोर्ट लाइव भारत। देखो वो अपनी थान सच्चे होणगे, वो आप उन्हों का विरोध करना हक है, पर साडी मंग यह है कि भी बटाला जिला बनना चाहिए। सिख राज दे वेले बटाला जिहड़ा लाहौर अमृतसर तो बाद बटाला तीजा वड्डा शहर है, जिहड़ा अहम शहर ही सिख राज दे विच, जदों अंग्रेज़ पंजाब दे विच आए आ और इन्हां इत्थे पंजाब दे उत्ते काबज होए ने, तो बटाला डिस्ट्रिक्ट हैडकुआटर सब तो पहला बटाला ही बनया है। 1850 दे विच डिस्ट्रिक्ट हैडकुआटर बने, जिहड़ा 2 साल तक रहा है, 1852 तक डिस्ट्रिक्ट हैडकुआटर रहा और उदू बाद इस गुरदासपुर लिजाया गया है। इस करके इतिहासक पक्षों वेख्या जाए तो गुरदास बटाला ही पहला जिला बनया है और साडे शहर वालियां दी समाजिक जथेबंदियों की वकीलों की हर एक वर्ग की मंग रही है कि बटाले नूं जिला बनाया जाए। जो तो जिले बनाउण दा काम चालू होया है तो पिछे जो 2011 दे विच पठानकोट नूं इह जिला बनाया गया है और उदों इह वादा कीता गया है जदों कोई नवां जिला बनेगा तो बटाले नूं जरूर जिला बनाया जाएगा और ये मंग हुण पूरी की जा रही है मुख्यमंत्री होणा वल्लों। और मैं समझदा वा भी इसलिए सरदार प्रताप सिंह बाजवाणा दा अहम रोल रहा है वा, उन्होंने मुख्यमंत्री होणा नूं इस लई चिट्ठी लिखी सी जिसका हुण उन्होंने हंगारा भरिया वा सीएम साहब ने और एक बहुत वधिया कदम है। अज असी शहर वासियों वालों एक किसी पार्टी की मंग नहीं, किसी की यह शहर वासियों की मंग है, जिसे सारे वर्ग एडवोकेट साहबान धार्मिक जथेबंदियां सोशल ऑर्गेनाइजेशन और समुचे तौर पर शहर की जनता जिन्हां दी बड़ी देर तो मंग चली आ रही है कि भी साढ़े बटाले बनता हक दिता जाए, ये साडा बटाला जिहड़ा ये जिला बनना चाहिए, जिहड़ा बनता है पूरा डिजर्व करता और असी शुक्रगुजार हैं कि साड़ी इस मंग नूं जिहड़ी 1995 तो चली आ रही थी, तुहानूं याद होगा कि एडवोकेट माणा जी ने उस वेले भुख हड़ताल भी रखी सी, उस तों बाद कलसी जी ने जिन्हां बड़ी देर इस मूवमेंट नूं चलाया पर कोई हंगारा ना मिल करके मंग जिहड़ी ठंडी पै गई सी। पिछले 2 साल पहले बाबे दे विआह ते जदों जाकड़ साहब की इलैक्शन सी उस वेले कैप्टन अमरिंदर सिंह जी दे ध्यान च लिआंदा गया सीगा, पर कोई गल उस वेले साडी जिहड़ी गांह तुरदी नहीं सी। हुण सानू आस होई आ, असीं अरदास कराई है कि परमात्मा साडा बटाला वासियां दी जिहड़ी मंग आ इहनूं नेपरे चाड़ो और जे मूव शुरू हुई है ये निर्विघन जी संपूर्ण होवे, इहदे च हुण कोई रुकावट ना आवे किसी भी तरह की। असीं इहो ही चाहुंदे आ कि साडे बटाले नूं इहदा बनदा हक दित्ता जावे, जिहड़ी एक सियासी गलती कितें हो गई है वो सियासी गलती हुण जिहड़ी दुबारा ना होवे, साडा बटाला जिहड़ा एक पूर्ण जिला बने जिहदे नाल साडे आउण वाले बच्चों जिले बनते जो फायदे ने उहनां नूं मिलन। अज शहर दीआं सारीआं समाजिक जथेबंदियां धार्मिक जथेबंदियां नौजवान वर्ग अते समाज सेवक आए गए हैं, सो अज असीं गुरु के चरणों में अरदास करन आए सी कि गुरु साहब बटाले शहर नूं तां बणदा हक दित्ता जावे अते जल्द तो जल्द ये हुण बटाला शहर जिला बन सके, क्योंकि असीं विकास पक्षों एजुकेशन सैक्टर पक्षों हर पक्षों तां पिछड़ गए, एक सब कुछ होण दे बावजूद ही सानूं जिला ना लाया गया, सेंटर अते स्टेट के प्रोजेक्टों में हमेशा सानूं साइडलाइन कर दिता गया क्योंकि असीं जिला नहीं सी हुंदे। सो मैं समझदा कि इस गुरु नानक देव जी के विआह पुरब ते, सो मैं समझदा कि गुरु नानक साहब ने जो सब तो वध किसी नूं सत्कार दित्ता तो इसत्री जगत में, तो मैं कहांगा कि इस गुरु नानक देव जी के दे, माता सुलखनी के शहर में अज पंजाब सरकार को असं हाथ जोड़ के बेनती करते हैं कि माता सुलखनी जी ने गुरु नानक साहब जी ने उन्होंने बनता हक सत्कार दिता जाए और बटाले शहर में जल्द तो जल्द जिला लाया जाए। सो अज की अरदास कि किसी प्रकार का विघन ना पवे, 13 तरीक न पंजाब सरकार बटाले शहर में जिला ला दे। सो असी बहुत उम्मीद नाल इत्थे आए हैं जी, गुरु साहब के दर ते अरदास की कभी व्यर्थ नहीं जाती, सो सानू आस वा कि 13 तरीक न बटाला जिला लाया जाएगा।